यही हम लोग बनाए थे सतयुग में, ठीक है, मतलब कल। मैं इसमें कुछ और इंसर्ट कर लेता हूँ, सीट शिफ्ट F11 इंसर्ट हो गया, ठीक है, तीन ठो मैं इंसर्ट कर लिया। इसको कर लेता हूँ इधर, इसको कर लेता हूँ इधर, इसको कर लेता हूँ ये इधर रहने दो, ठीक। तो इस सीट पे मैं आता हूँ और क्या करता हूँ यहाँ पे, जरा आप लोग बताइए। एडमिशन जब लिया जाता है तो किन किन दस्तावेजों का जरूरत होता है? एक तो नाम का जरूरत पड़ता है, दूसरा फादर नेम का भी, फादर नेम, तीसरा, चौथा, क्या, पांचवा, पांचवा भूल गए, मोबाइल नंबर भी, क्या, क्या बोल रहे हो, स्पेलिंग मेरा गलत है क्या? मेरे को तो जहां तक लगता है सही ये लिखा हूं, दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। अच्छा ये ऐसे था क्या, तो उस समय क्यों नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है? सामने आ जाइए ना, वहां से नहीं दिख रहा है तो आधार नंबर भी लगता है ना, ठीक है आधारो नंबर ले लेते हैं। और क्या लगता है जी, दसवीं ग्यारह बारहवीं का मार्कशीट को छोड़ दीजिए, और इसके बाद क्या लगता है, एड्रेस, ठीक है एड्रेस, और क्या लगता है जी, और नहीं मैं ईमेल आईडी नहीं मांगूंगा, और फोटो, बात तो सही है जी आपकी कि फोटो का भी जरूरत पड़ता है। फोटो को हम थोड़े देर में समझेंगे, या अगर आज समय नहीं बचा तो कल समझ लेंगे जी। और बताओ इसके अलावा, और याद कर लो आप, तब तक इसको मैं रोकता हूँ थोड़े देर कि रुक जा भाई। तो एक्स्ट्रा में डेट ऑफ बर्थ हो गया, बाकी ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है ना तोड़ के इधर आ जा रहा है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दूंगा तो ये फिट हो जाएगा। इसको थोड़ा और इधर कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा होता कि मैं ऐसे कर दिया होता, ठीक है, ऐसे मैं कंट्रोल दबा के प्लस का साइन दबा रहा हूँ तो इंसर्ट हो रहा है जी, ठीक है। इन सब को जो है कर दो ऐसे, थोड़ा थोड़ा मतलब इनके बीच में गैप कर दो, ठीक है, ऐसे। कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं है, है नहीं है यार, डाउट नहीं हो रहा, मैं एक एक ठोई से पकड़ा पकड़ के कर रहा हूँ, पूरा सेलेक्ट करके कर दूँ, कर तो देता लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक दिख रहा है अब, बहुत अच्छा होता कि ये सब अपर कैस में होता, तो मैं क्या करूँगा जी, इक्वल टू का साइन दूंगा यहाँ पे, ठीक है, अपर कैस लिखूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एंटर मार दूंगा, अपर कैस हो जाएगा, ठीक है। सब में वैसे कर दूं, नहीं करूं, कंट्रोल पकड़ के इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इन सब को पकड़ा, राइट क्लिक कर देता हूं जी। ये तो डिलीट बोल रहा है कि कर दो, नहीं जी डिलीट मत करो, मैं बड़ा मेहनत से लिखा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊंगा जी, कर दूंगा इसको, क्या मजाक है जी, एक ठो सब में पेस्ट कर दिया। खैर छोड़िए, हम कंट्रोल जेड कर लेंगे,
ये घूम घूम रहा है, इसको भी हटा देंगे हम लोग। चलिए मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता अभी फार्मूला वगैरह का इस्तेमाल, अपर कैस में ही सबको कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो ना, इसको यहाँ पे आओ, इक्वल टू का साइन दो, ठीक है, अपर कैस करो, ठीक है, ये दे दो ऐसे, ठीक है। और इसको क्या करो ना, पकड़ के खींच लो इधर से, ठीक है, इसको कर लो कॉपी और यहाँ पे आओ ऐसे, ठीक है, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज अ वैल्यू, हो गया जी, जाइए आप डिलीट हो जाइए, ठीक है, काम हमारा चल गया जी बड़े आसानी के साथ। चलिए जी, अब इसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, जाता हूँ व्यू वाले में, और मैं क्यों आया था व्यू में, अच्छा हाँ, इन सब को हाइड करने के लिए, ऐसा दिखेगा जी, इसके ऊपर भी मैं कुछ छोड़ देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँगा, इस सेल का कलर ना मैं बदल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये ठीक रहेगा कलर, ऐसा ठीक रहेगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जी, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये तो मज़ा नहीं आया जी, यहाँ पे आया, फॉर्मेट पॉइंटर लिया, कंट्रोल दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, लगता है ये एक एक होगा, इसे कॉपी किया, यहाँ पे आया, कंट्रोल दबाया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट नहीं किया हूँ, करूँगा थोड़ी देर में, ले लिया, ठीक है, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट में कौन सा है यार इसमें से, ये तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, पेस्ट स्पेशल में मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे है फॉर्मेट, यही है ना, कर दूंगा जी पेस्ट, हो जाओ सारा फॉर्मेट पेस्ट हो गया, ठीक, अब सब ये आ गया ऐसा। अब इससे पता चलेगा हर आदमी को कि यहाँ पे जी नाम लिखना है, फिर यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, ठीक ठीक ना। चलिए इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, कर दूंगा ऐसे, ठीक है, बन जाएगा काम अपना ऐसे में, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ सोचा था, भूल गया क्या सोच रहा था, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ इन लोगों को, इस सीट में आता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट स्पेशल, और कर देता हूँ इसको ट्रांसपोज, ऐसे कर दिया जी, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कंट्रोल दबा के मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, कंट्रोल माइनस, क्या हो गया, सब डिलीट हो गया, अच्छा बाकी है, मेरे को लगा डिलीट तो नहीं हो गया, डिलीट हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब इन सब को ऐसे में पकड़ा, यहाँ पे डबल क्लिक मारा, फिट हो गया है, ठीक, डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, इन सब को क्या करता हूँ, कर देता हूँ ऊपर, नहीं सेंटर, ऊपर, ठीक हो गया जी। नेम है इसको और थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक ना, ठीक दिख रहा है आप सबको। चलिए जी, इसको मैं टेबल के फॉर्मेट में मैं अभी नहीं बनाऊंगा, ठीक, थोड़े देर में मैं इसको टेबल के फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, नेम, नेम में क्या चाहिए, इसमें वैलिडेशन क्लिक लगाते हैं, ठीक है, तो वैलिडेशन लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक नहीं करूँगा, आ जाऊँगा डेटा में, राइट क्लिक करके नहीं हो सकता क्या वैलिडेशन, छोड़ो कभी देख लेंगे, कस्टम, ठीक, आप लोगों को मैं बनाया था फॉर्मूला, ठीक है, तो आप लोग जरा बताइए जी क्या सूत्र मैं इसमें लगाऊं कि हमारा वैलिडेशन स्टार्ट हो जाए। वैलिडेशन में मैं क्या चाहता हूं कि इसमें जो भी चीजें टाइप हो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट टाइप हो, नंबर ना टाइप हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जरा आप लोग बताइए। सबसे पहले तो बराबर का चिन्ह देना चाहिए जी, उसके बाद चुपचाप, आप लोग को समझ में आया था नहीं आया था, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ इज
टेक्स्ट याद था आप लोगों को? नहीं था, अब ये मत कर ना कि याद था। इज नंबर तो नंबर को चेक करता है ना। ये देख लीजिए, अभी फॉल्स बोल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ टाइप किया ट्रू हो गया, मतलब सही है। यहाँ पे नंबर टाइप करूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, इन सभी का अलाइनमेंट को भी मैं थोड़ा ठीक ठाक कर देता हूँ जी। दिमाग खराब है, लाइट क्यों ऐसे? चलो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शन लगाया मैं, अभी फॉल्स हो गया, अब ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे नंबर टाइप करूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। यही वैलिडेशन का इस्तेमाल हम करेंगे ऊपर। ठीक, इस फॉर्मूला को मैं सेम यहाँ से कट कर लूंगा। ठीक, और इस पे मैं आऊंगा और डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, इसमें क्लिक करूंगा, आ जाऊंगा यहाँ पे, कर दूंगा कस्टम और यहाँ पे आकर दूंगा पेस्ट और कर दूंगा ओके। ठीक, यहाँ पे नंबर टाइप करूंगा जी, एरर। ठीक, टेक्स्ट टाइप करूंगा तो ले लेगा। ठीक, फिर से मैं आता हूँ डेटा वैलिडेशन में, ये फॉर्मूला यहाँ लगा है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप स्टॉप ही रहने देता हूँ। मैसेज में मैं दे देता हूँ कि इंटर ओनली टेक्स्ट। ठीक है, TEXT। ठीक है, इतना मैं समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो जाओ पढ़ लिख के जाओ। ठीक है, आ रहा है ना इंटर ओनली टेक्स्ट। चलिए जी, हमारा ये काम तो बन गया। इस पे आते हैं जी, एक ही वैलिडेशन तो इसमें तीनों में लगेगा, सही कह रहा हूँ ना मैं? चलिए जी, फिर यहाँ से आते हैं वैलिडेशन में। ठीक है, एनी वैल्यू जो लिखा है वो कस्टम में ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, पेस्ट। ठीक, बी4 में ले लिया, कर दिया जी ओके। यहाँ पे आता हूँ जी, वही काम करता हूँ यहाँ भी आके। ठीक है, एरर को भी लिखना ही पड़ेगा ना, लिख देंगे या जरूरत नहीं है लिखने का? आप लोग लिखोगे क्या एरर मैसेज को? लिख लेना आप लोग, मैं नहीं लिखता। क्यों, कि लिखना पड़ेगा? एरर मैसेज एक तो मैंने लिख के बता दिया कि जी यहाँ पे होगा तो ऐसा आएगा एरर मैसेज। अब यहाँ पे जो है टाइप करूंगा, वैलिडेशन काम कर रहा है जी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे भी काम करेगा, कर रहा है। ठीक, अब कोर्स में आता हूँ जी, कोर्स में क्या क्या होगा तो कोर्स में ड्रॉप डाउन मेनू बना लूंगा, डीसीए पीजीडीसीए का, बीसीए का। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा डीसीए बीसीए पीजीडीसीए एमएससी आईटी पे लिख दूं, एमएससी आईटी हो गया, कर दूं ओके। आप चाहो ना तो इसको जो है किसी दूसरे सीट में रख लेना और यहाँ से सी सेल का एड्रेस पूरा लिस्ट जो है सिलेक्ट कर लेना, कर लोगे? मैं तो बताया ही हूँ वो। ठीक है, तो कर दिया ओके जी। अब यहाँ पे आया ड्रॉप डाउन, नहीं आया, आना तो चाहिए था जी इसको, आया नहीं, क्यों नहीं आया आखिर? मैंने गलती कुछ कर दिया क्या? आप लोग देखा मैंने कुछ गलती किया? नहीं जी, गलती तो मैंने नहीं किया। कस्टम में मैंने टाइप कर दिया, लिस्ट में टाइप करना चाहिए था ना। सच में मेरा दिमाग खराब हो गए। BCA, PGDCA, MSC, ओह नो, MSC स्पेस IT। ठीक, कर दिया जी ओके। ठीक, अब आ गया हमारा ड्रॉप डाउन मेनू, अब यहाँ से सिलेक्ट हम करेंगे, वही होगा अन्यथा नहीं होगा कुछ। ठीक, यह है मोबाइल नंबर जी। ठीक है, मोबाइल नंबर में भी वैलिडेशन लगा दें। मोबाइल नंबर में क्या क्या वैलिडेशन होना चाहिए जी, आप लोग बताओगे?
दो वैलिडेशन मोबाइल नंबर में होना चाहिए, एक वैलिडेशन होना चाहिए कि खाली नंबर ही टाइप हो, दूसरा वैलिडेशन उसमें ये होना चाहिए कि 10 अंक से ना कम ना ज्यादा, राइट? तो आप लोग करोगे, बताओगे आप लोग, नहीं बताओगे? मालूम नहीं, पता नहीं, भूल गए, भूल गए, आए नहीं थे, सिर दर्द, पेट दर्द, कोई नया बहाना? मालूम आप लोग को नहीं मालूम? यहां पे मैं आपको करके बता रहा हूं। सबसे पहले एंड फंक्शन देंगे हम लोग, ठीक, ए एन डी। आप लोग ना करते नहीं हो प्रैक्टिकल, इसीलिए आप लोगों को भूल जाता है जल्दी। सबसे पहले इस नंबर का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक, इस नंबर, जी ये नंबर होना चाहिए सबसे पहला तो ऐसे, ठीक। फिर कॉमा दे दो। एंड फंक्शन में क्या होता है, मैं बताया था आपको एंड का मतलब, जितने कंडीशन लिखे हो कॉमा दे दे करके सारे सही होना चाहिए थी, ठीक। दूसरा काउंट करो, सी ओ यू एन टी, काउंट, ठीक है, काउंट करो। किसको जी काउंट करें जी, इसको काउंट कर लो, ठीक है। काउंट इक्वल टू 10 आना ही चाहिए, 10 नहीं आएगा तो हम कह देंगे जी हटो यहाँ से, अभी फॉल्स हो गया। यहाँ पे ये टाइप करके एंटर करेंगे तो फॉल्स आएगा, ये टाइप करके एंटर करेंगे तो भी फॉल्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप करके एंटर करेंगे तो अब फॉल्स क्यों आ रहा है, इसको समझता नहीं है, मैंने कुछ गलती करा है, जरा आप लोग बताइए क्या मैंने कुछ गलत किया है, इसको तो ट्रू आना चाहिए। नहीं बताओगे? क्यों आ रहा है भाई फॉल्स, कुछ बताओ, दिमाग लगाओ। चुपचाप। सेल एड्रेस सही है, क्या चीज, अरे यार बात तो सही कहे, मेरा याददाश्त इतना कमजोर कैसे हो सकता है, लेंथ फंक्शन लगाना चाहिए, बिल्कुल सही कहे। कम इन बताइए, एक मिनट रुकना। उस आदमी का मार्कशीट तो मिला नहीं, मेरे को खाली पकड़ परेशान कर दिया। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। तो कहाँ मैं था, लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन होता है यार, मैं काउंट लगा रहा हूँ इतना बड़ा, मेरा याददाश्त इतना कैसे कमजोर आखिर हो जा रहा है, है? लगता है क्या मजाक है ये, सच में दिमाग खराब हो रहे हैं, नहीं। चलिए जी एंटर मारूंगा, अब ट्रू होगा, अब फाल एक क्या मजाक है। अच्छा इसमें इक्वल टू करके 10 भी तो देना पड़ेगा, अब नहीं हुआ तो फिर हम पंचायत करेंगे इसके ऊपर। हो गया, अब यही फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर देंगे हम वहां पे, ठीक। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, आ गया ना। चलिए बोलिए, लग तो रहा है कि समझ में आ गया, आप पता नहीं। चलिए हाँ, मैं मोबाइल नंबर पे ना वैलिडेशन किया अभी। नहीं, मैं मोबाइल नंबर पे ही वैलिडेशन किया हूँ, तो ये देखिए, ठीक है, B10 मोबाइल नंबर का है, ठीक, ये देख लीजिए, खुद तो कंफ्यूज हो, मेरे को भी कंफ्यूज किया, ठीक है, मैं मोबाइल नंबर भी कर रहा हूँ वैलिडेट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया जी। इसमें ये टाइप करेंगे तो नहीं लेगा, ये टाइप करेंगे तो भी नहीं लेगा, राइट। चलिए जी, बड़ा मेहनत से हुआ भाई, बोले मेहनत इसमें क्या है, भूल जाते हो बार बार। यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं जो इसमें किया था, कॉपी पेस्ट मार दूं या टाइप करूं, सीधा मैं कस्टम वैलिडेशन में फॉर्मूला टाइप कर दूं या फिर सेल में टाइप करके ट्रू फॉल्स दिखा के करूं, जैसा आप लोग कहो, क्यों, यहां पे सीधा टाइप करूं या फिर मैं यहां पे टाइप करके बता लूं आपको, ट्रू फॉल्स दिखा लूं फिर यहां पे पेस्ट करूं, यहीं पे टाइप कर दूं ना,
चलिए जी, आप लोग ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो, समझदार हो। फिर से एंड फंक्शन लगाता हूँ, ए एन डी इक्वल टू का साइन भी देना पड़ता है। क्या करें, ये मोबाइल तो बाकी फ्रिक्वेंसीज वगैरह से याददाश्त कमजोर होता जा रहा है। इसमें भी इज नंबर होना चाहिए, इज नंबर क्या, ये वाला जी। और दूसरा कंडीशन क्या है जी, एल ई एन लेंथ फंक्शन, लेंथ कितना होना चाहिए जी, 12 नंबर का, ठीक है, ब्रैकेट बंद एंटर। अब गलती नहीं होगा जी, बड़े याद से मैं इसको टाइप किया हूँ, 1 2 3 नहीं ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंटर। क्या मजाक है जी, ये तो बहुत घटिया मजाक कर लिया ये, बदल दूंगा मैं भी, ऐसे कर दूंगा, ठीक हो गया। हाँ, डिलीट मार दो इसको जी। एड्रेस है, एड्रेस में तो कुछ और टाइप करे, क्या लेना देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में रेंज कुछ सेलेक्ट किया जाता है, आप कर लेना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डेट ऑफ बर्थ का रेंज सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो वैलिडेशन हमारा तैयार हो गया। चलिए जी, अब हमें क्या चाह रहा हूं ना, कि यहां पे जो है दो ठो मैं एक ठो बटन ले लेता हूं, यहां से ऐसे यहां पे कर दूंगा ऐसे, ठीक। इसमें लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, जो मेरा मन करेगा, क्यों, सेव, ठीक। इधर आ गया, इस पे आ जाऊंगा और कुछ इसमें ये ठीक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है तो बदल दूंगा मैं इसको ऐसे, ठीक, फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं, ठीक है। चलिए तो ये कलर हटा दूं इसका, क्या ठीक नहीं है, कौन सा कलर कर दूं, ग्रीन, ग्रीन कर दो, कौन सा, ये तो ब्लू है, ग्रीन थोड़े है, ग्रीन किधर है मुझे तो पता नहीं, कुछ भी करिए सर। अब मैं ग्रीन कहां से खोजूं, मुझे मिल नहीं रहे। अच्छा, ग्रीन मतलब हरा होता है, नहीं मुझे मालूम नहीं था, ये कैसा ग्रीन है, इसमें मोर कलर तो होगा ना कहीं। हाँ, ये ठीक है, मुझे बेकार लग रहा है काम, यहाँ प्रैक्टिकल मुझे करने पड़ रहे हैं, डिमांड आपके चलेंगे, वाह भाई वाह, वही हो गया ना, पैसे मेरे लगे, व्हाइट कलर का कार मैं खरीदूं, आप कह दो व्हाइट सही नहीं है, ब्लू लेना था, मेरे पैसे लग रहे हैं ना कार खरीदने में, क्यों, मेहनत मेरे लग रहे हैं इधर, क्यों, चलो खैर इसी को ले लेता हूं, जब इसी का इच्छा है तो ठीक है। और आउटलाइन को कुछ रहने दूं, या आउटलाइन का क्या कलर होगा, बाहर बाहर का, ठीक है, या नो कर दूंगा ऐसे, ठीक है, नहीं बता दो, डिमांड ले लूंगा मैं। इधर कुछ, कौन सा इफेक्ट, ये मुझे भी यही पसंद था। चलिए जी, मैं क्या चाहता हूं ना, कि इसमें जैसे ही करे, क्या करे, क्लिक करूं, बस उसका डेटा उठ के यहां पे अपने आप लिखा जाए, कितना बढ़िया होता है ना। चलिए जी, आप लोग को मैं बोला था करने के लिए, आप लोगों ने क्या किया, नहीं किया, मुझे मालूम था नहीं करेगा कोई। इधर मैं एक यूनिक आईडी सबको चाहता हूं कि दूं, ठीक है, तो इधर मैं आ जाऊंगा जी, ठीक है। और क्या मैं करूंगा, पहले यहां पे लिखूंगा कुछ, नाम वाम बताओ, अमित, फादर नेम कुछ भी, कुछ भी, मदर नेम भी कुछ भी होगा, कोर्स में कुछ भी ले नहीं सकता मैं, डीसीए दे देता हूँ, मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अमित का है नहीं, फोन मत करना,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। एड्रेस में क्या आई एन डी आई ए, डेट ऑफ बर्थ में क्या ले लूँ जी, कुछ बताओ। कुछ भी ले लेता हूँ जी, 01-01-2000 ले लीजिए। ले लिया मैंने। डेट में कौन सा डेट का फॉर्मेट बढ़िया रहेगा, शॉर्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करें बस पेस्ट हो जाए वहाँ पे, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ। तो चलिए जी, हम क्या करेंगे जी, मैक्रोज का इस्तेमाल कर लेंगे। आपको तो मालूम है मैक्रोज का कितना पावर है, ठीक है। सेव अंडर स्कोर स्टूडेंट, ओके, ठीक। यहाँ देखिए मैक्रो स्टार्ट शुरू हो गया। यहाँ पे आऊँगा, 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 ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, कर लूँगा मैं इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट, ठीक। यहाँ पे आऊँगा, देखना काफ़ी दिक्कत अभी आएंगे मेरे को। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस दिक्कत से कैसे छुटकारा पाऊँगा। यहाँ पे कर दूंगा जी, ओके, ठीक। आया क्यों नहीं दिक्कत, मुझे तो लगा था कि दिक्कत होगा। अच्छा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया, क्या करूँगा ना मैं, ये फिट होता तो ये होता और यहाँ पे मोबाइल नंबर में ये आ गया, ठीक है। खैर छोड़िए, मैं इसको बदलूँगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसी को चलने दूँ, ठीक है, तो क्या होगा जी कि यहीं पे दूसरा, इसी सेल पे दूसरा जो है पेस्ट करता जाएगा। एक बार मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा था तो आप लोग देखे होंगे शायद, तो यहीं पे पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक। अब यहाँ पे अब ये वाला नीचे आ गया, ठीक है, तो अब ऊपर में सेव करेगा ना, दूसरा पेस्ट करेगा, ठीक। चलिए जी, अब यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके डिलीट बटन दबा दूंगा, सब डिलीट हो जाएगा। कर्सर को ले आता हूँ मैं यहाँ। अब मैक्रोज को क्या कर देता हूँ, भाई तू रुक जा, ठीक, ये रुक गया। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, असाइन मैक्रोज में जाऊँगा और इसको कर दूंगा, इस मैक्रोज को तुम रन कर दो जब मैं क्लिक करूँ तब, देखते हैं काम चलता है कि नहीं हमारा, ठीक है। ये देख लो ऐसा है, यहाँ पे आऊँगा, नाम लिखा, कुछ भी लिख दिया, BCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज का डेट इंसर्ट कर दिया, जाओ अब क्लिक किया, ये तो बड़ा फास्ट हो गया। वाह कितना बढ़िया टेक्निक है, अपने आप यहाँ पे आ गया ना, आ गया जी यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ कुछ लिखता हूँ, ये तो लेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 होता है यार, क्या करें, हमारा याददाश्त इतना कमजोर कहे है। चलिए हो गया, फिर से क्लिक कर दिया जी, यहाँ पे देखिए फिर से इंसर्ट हो गया, बराबर इंसर्ट हो रहा है, ये फिक्स हो जाएगा ऐसे करूंगा तो, ठीक है। ये देखिए आ गया, सब कुछ काम प्रॉपर कर रहा है ना। ये एक समस्या ये है ना कि मैं क्या चाहता हूं कि अमित को अपने आप रोल नंबर 1 मिल जाए, इसको अपने आप रोल नंबर 2 मिल जाए, इसको अपने आप रोल नंबर 3 मिल जाए, ठीक है। फिर अगला इंसर्ट करूं तो उसको अपने आप 4 यहां पे आके मिल जाता है, कितना बढ़िया था ना, ऐसे होता ना अच्छा। अब इसके लिए हमको क्या करनी चाहिए, जरा आप लोग दिमाग बताओ, नहीं बताओगे, दिमाग बताओगे, कुछ नहीं बताओगे। चलिए जी, आप लोग दिमाग अगर नहीं बताओगे, शपथ ले रखा है आप लोगों ने, तो मैं ही कुछ दिमाग बताता हूं, ठीक है। और वो क्या है कि इसको मैं ऑल क्लियर कर दूंगा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे पहला काम मैं करूंगा कि यहां से यहां तक सिलेक्ट करूंगा ऐसे, ठीक है, और क्या कर दूंगा जी, इसको टेबल के फॉर्म में मैं बना दूंगा, ठीक है। टेबल के फॉर्म में मैं क्यों बनाऊंगा, उसका कारण है क्योंकि डायनामिक
कहा जहां भी डायनामिक काम करना है आपको वहां पे टेबल का जरूरत पड़ेगा आपको, राइट, पड़ेगा ना। मैं ये चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए यहां पे एक रिकॉर्ड है, दो रिकॉर्ड है, थ्री रिकॉर्ड है, ठीक है, तो यहां पे एक ठो मैं लिख दूं, फिर यहां पे दो अपने आप लिखा है, यहां पे तीन अपने आप लिखा, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं काम ये करूंगा कि मान लो ये है, ठीक, तो मैं ये गिनूंगा कि इस वाले रो में मैक्सिमम नंबर कितना है, इसमें पता चल गया कि एक है, तो मैं क्या करूंगा इस वाले में मैक्सिमम नंबर प्लस वन कर दूंगा, तो यहां पे दो आ जाएगा। फिर यहां पे क्या मैं चेक करूंगा कि इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है, मैक्सिमम नंबर कितना है, ठीक है, तो दो है इसमें मैक्सिमम, ये यहां पे कर दूंगा दो प्लस वन कर दूंगा यहां पे, ठीक, तो यहां पे दो प्लस वन करूंगा तो तीन हो जाएगा ना। फिर क्या करूंगा कि इन सब में से मैक्सिमम नंबर निकालूंगा और उसमें से एक एक जोड़ूंगा मैक्सिमम नंबर में, तो तीन आएगा मैक्सिमम नंबर, और फिर वहां पे एक और जोड़ दूंगा तो आ जाएगा चार। तो इस तरह से हम काम कर लेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे, समझ में नहीं आया, आ गया समझ में, आ गया भाई, सीधा सा बात है ना, देख लो, डिलीट मारा इसको मैं यहां पे एक लगाता हूं, इक्वल टू का साइन देता हूं मैक्स, ठीक, मैच नहीं चाहिए, मैक्स चाहिए मेरे को, मैक्स किया, इसको लेके मारा एंटर, ठीक है, वन आ गया। अब यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, इसको प्लस करूंगा, वन जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे दो आ गया, ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां पे तीन लिखा जाए अपने आप, ठीक, क्योंकि हम तो एक कॉलम इंसर्ट कर, एक ठो रो इंसर्ट करके फिर उसमें लिख दे, फिर पेस्ट करते हैं ना, तो यहां पे अब मेरे को क्या चाहिए कि इस वाला जो मैक्स वाला जो है फॉर्मूला, ठीक है, मैक्स का जो फंक्शंस मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले एक था, अब मेरे को दो का जरूरत है ना, तो यहां पे मैं दो करूंगा तो कैसे करूंगा, ऐसे कर लूंगा जी, ठीक है, हाँ ले लो, क्या मजाक है, लाइन खींच दिया है, ये ले लो जी, मिसिंग तो मैंने कुछ किया नहीं है भाई, ओ यहां पे जो था वो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है तो ठीक है, मैं यहां पे जो है दो लिख देता हूं अपने से, ठीक है, अब यहां पे क्या करूंगा मैक्स, ठीक है, अब इन दोनों को मैं ले लूंगा जी, ठीक है, एंटर, यहां पे दो आ गया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, ये है इसका प्लस कर दूंगा वन, ऐसे आ गया ना। अब फिर से यहां पे मैक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा जी, यहां पे मैन्युअली मैं थ्री लिख रहा हूं अभी, ठीक है, अब फिर से यहां पे मेरे को मैक्स निकालना है, इक्वल टू का साइन दूंगा या मैं एक्स मैक्स कर दूंगा ऐसे, और फिर इसको जो है सिलेक्ट करूंगा रेंज, ठीक है, यहां आ गया थ्री। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम नंबर मतलब थ्री प्लस वन करूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो यही टेक्निक मैं इस्तेमाल करूंगा तो अपने आप वन टू थ्री फोर आता जाएगा ना, नहीं आएगा, समझ में आ रहा है अब, लेकिन यहां पे फंस जा रहा हूं ना, मैं फंस ये रहा हूं कि यहां पे ये जो रेंज है ये डायनामिक होना चाहिए, अपने आप सारा रेंज को सिलेक्ट कर, तो कैसे करूंगा मैं, इसलिए मुझे जरूरत पड़ेगा टेबल का एक, ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को, टेबल मुझे क्यों चाहिए। चलिए जी, इसको करता हूं मैं डिलीट, इन सबको भी मैं करता हूं डिलीट, ठीक, इसको इंप्लीमेंट करता हूं मैं जो कह रहा हूं, ठीक, क्या लगता है आप लोगों को, इंप्लीमेंट हो जाएगा, कंट्रोल टी दबाया, मैं बोल दिया माई टेबल हैज हेडर, मेरे टेबल में है हेडर, ये लीजिए आ गया जी, ठीक, मैं इसमें रोल नंबर वन देता हूं, कुछ नाम लिखता हूं यहां पे, नंबर में कर दूं, नंबर ही कर दूंगा मैं, ठीक है, एड्रेस में भी कुछ भी डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ में भी मैं कुछ भी डाल दूंगा, ये लीजिए, ठीक है,
आ गया। क्या बोल रहे हो? मुझे सांस तक सुनाई देता है भाई। क्या हो गया? ठीक है, अब यहां पे मैंने इंसर्ट कर दिया है एक ठो। ठीक, अब मैं क्या करूंगा ना, आऊंगा इसको कर देता हूं ऐसे। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मैं इतने छोटा कर दिया तो नहीं दिख रहा है? चलिए मैं छोटा नहीं करूंगा तब। ठीक है, मैं यहां पे आ जाऊंगा। ठीक है, और यहां पे क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, मैक्स काउंट करूंगा, मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम मुझमें मेरे को किसमें चाहिए? इसमें चाहिए, टोटल में। ठीक, यहां पे क्या आ गया, टेबल में आईडी का मैक्स निकालो जी, मैक्स में आ गया वन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा, यहां से राइट क्लिक करके करूंगा कॉपी, और यहां पे आके कर दूंगा पेस्ट एज अ वैल्यू। ठीक, यहां से कर दूंगा पेस्ट, तो यहां पे पेस्ट हो जाएगा वैल्यू। ठीक, और जब पेस्ट हो जाएगा वैल्यू तो क्या करूंगा, इसमें एक और मैं जोड़ दूंगा। ठीक, हो जाएगा काम। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैक्स निकाल लिया ना, मैं यहीं पे प्लस कर दूंगा वन। अब हो गया ना ये दो, अब इसी दो को मैं पेस्ट एज अ वैल्यू वहां पे कर दूंगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया? इतना चीज में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना किसी को? चलो जी, आप लोग देख सकें इसलिए मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं। ठीक है, और यहां पे आता हूं, कर देता हूं पेस्ट। ठीक, आप लोग देखना, यहां पे दो लिख के एंटर मारा, यहां पे तीन आ गया ना, आ गया तीन, यहां पे एंटर मारा, अब तीन यहां पे लिख के एंटर मारूंगा तो यहां पे चार आ गया, आ गया ना, इसी को पेस्ट कर दिया करूंगा यहां पे, तो अपने आप काम हो रहा है हमारा। शायद आप लोगों को समझ में आया हो, मुझे उम्मीद में कर रहा हूं। समझ में आ गया? नहीं आया? ये डायनामिक टेबल को आईडी में प्लस वन कर रहा है, डायनामिक ले रहा है ये। ठीक, अब कर देता हूं इसको डिलीट में। इधर वाला जो मैक्स मैं निकाला था वो है। ठीक, चलिए जी, अब इसको मैं मैक्रोज रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। यहां पे दे दूंगा नेम में कुछ भी। ठीक है, आप लोग कुछ भी मत देना, आप लोग रियल डेटा टाइप करना, मैं तो ऐसे ही टाइप करते जा रहा हूं कुछ भी। एड्रेस में हो गया। अब मैं यहां पे आऊंगा, सबको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ऐसे, और फिर क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। ठीक, मैक्रोज में रिकॉर्ड नहीं किया ना, रिकॉर्ड कर लेता हूं, नहीं किया तो ये देखिए यहीं पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, यहां पे लिखता हूं sav_student1। ठीक, कर दिया ओके, हो गया। यहां पे कंट्रोल दबा, क्लिक किया, आप कंट्रोल दबा के इन सब को मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक, ये देख लीजिए आप, हो गया सिलेक्ट। कंट्रोल सी करके कॉपी किया, मैं आया इस पे, और यहां पे आके राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गया। ठीक है, यहां पे ट्रांसपोज पे क्लिक किया, और यहां पे कर दिया पेस्ट एज अ वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो, पिछले बार में फॉर्मेट भी पेस्ट हुआ था ना, कर दिया मैं ओके, आ गया यहां पे। अब यहां पे मैं क्या करूंगा जी, यहां पे लिखने के लिए मैं आऊंगा यहां पे, इसको करूंगा कॉपी कंट्रोल सी से, अब यहां पे आके राइट क्लिक करूंगा जी, पेस्ट स्पेशल पे आऊंगा और पेस्ट एज अ वैल्यू कर दूंगा। ठीक, और यहां पे आके कर दूंगा कंट्रोल प्लस, और यहां पे मेरा अब कर्सर आ गया। ठीक, अब यहां पे मैं आऊंगा फिर से, इन सारा वैल्यू को डिलीट बटन दबाऊंगा, कर्सर को मैं ले लाया यहां पे, अब यहां से हम मैं टाइप करना शुरू कर दूंगा। ठीक, अब इसको कर देता हूं स्टॉप। ठीक, अब यहां पे राइट क्लिक करूंगा, असाइन मैक्रोज पे जाऊंगा। ठीक है, ये वाला मैक्रोज इसको असाइन में कर दिया। ठीक, अब काम होगा हमारा, होगा ना,
नहीं होगा। असाइन कर दिया मैं ये वाला मैक्रोस, ठीक। अब काम करना शुरू करूं मैं। क्लिक किया, यहां पे आऊंगा, यहां पे पेस्ट नहीं किया क्या? क्यों नहीं किया भाई पेस्ट? यहां पे तो 3 हो चुका है, क्यों नहीं यहां पे पेस्ट किया? इसको तो करना चाहिए था। मैक्रोज सही सलामत हम लोग किए तो रिकॉर्ड नहीं किए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फिर सही सलामत कॉपी हुआ या नहीं हुआ। मैं इसको करूंगा फिर से डिलीट। अब पेस्ट आखिर क्यों नहीं किया? इसको तो करना चाहिए था पेस्ट। चलिए मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, मैक्रोज में फिर से रिकॉर्ड करता हूँ सारा मैक्रोज डिलीट करके, ठीक है। इसमें आऊँगा मैं, ठीक है, व्यू मैक्रोज, इसको कर दूंगा डिलीट। व्यू मैक्रोज में आऊँगा, फिर कर दूंगा डिलीट, ठीक है। डिलीट कर दिया मैं सारा मैक्रोज, ठीक है। आऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, सभी में मैं कुछ ना कुछ टाइप करूंगा। ऐसे, ठीक है, मैक्रोज स्टार्ट कर लूंगा। ओके, इस पे मैं क्लिक किया, कंट्रोल दबाया, सबको मैं कंट्रोल दबा के ऐसे ही सेलेक्ट करूंगा, ठीक। कंट्रोल सी, कॉपी। अब मैं, मेरे को पहले यहां रो इंसर्ट कर लेने का था, तब मेरे को करना चाहिए था। मैं इसी डेटा में पेस्ट करके ओवरराइट कर रहा हूं, ठीक है। मुझे एक थो रो इंसर्ट कर लेना चाहिए था पहले, लेकिन मैं नहीं किया, भूल गया, ठीक है। पेस्ट कर दिया जी, सारा डेटा ओवर राइट हो गया, ठीक। यहाँ पे आया, अभी इसमें डेटा है, ठीक है, मैं इस डेटा में ही पेस्ट करके ओवर राइट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा। अब यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ था पेस्ट एज अ वैल्यू, कर दिया, यहाँ पे आ गया 3, इसको कर दिया कंट्रोल प्लस। अब कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, सब कुछ डिलीट कर दूंगा, डिलीट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आके कर दूंगा ओके, हो गया। अब इसको मैं मैक्रोज असाइन करूँगा, ठीक है, ओके कर दिया। अब मैं इस सीट पे आके करेक्ट कर दूंगा, इसको कर दूंगा 2, ठीक है, अभी अपने आप 3 हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए जी, मैं आया इस पे, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दूंगा, कितना वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ एड्रेस दे दो, कौन सा हमको यहाँ जाके रहना है, क्यों कर दिया मैं ओके, ठीक। आया, फिर से इसको नहीं ले रहा है, ये क्या मजाक है इसका। इसको तो मैं कॉपी पेस्ट किया ना, आखिर ये क्यों नहीं ले रहा है, क्या जुगाड़ लगाया जाए, जरा बताइए आप लोग अब कि मैं क्या जुगाड़ ऐसा लगाऊं कि इसको भी पेस्ट करे, ठीक है। करना चाहिए था ना जी पेस्ट, लेकिन नहीं कर रहा है, कुछ जुगाड़ लगाता हूं मैं, ठीक है।
इसको रोक लेता हूँ, फिर कुछ जुगाड़ सोचता हूँ, फिर बताता हूँ। चलिए जी, रिकॉर्ड करने से पहले जो इधर फॉर्मूला लगाते थे ना, उसको यहीं लगा देते हैं जी। मैक्स कर लेता हूँ और आ जाता हूँ इसमें, ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। काहे के लिए मैक्रोज को भी देंगे इतना मेहनत, क्यों? कर्सर लाता हूँ यहाँ पे, मैक्रो को अब शुरू करता हूँ मैं रिकॉर्ड करना जी। 6 मैक्रोज है, नाम यही रखने देता हूँ, ठीक है, हो गया रिकॉर्ड कर रहा है अबे। ऐसे फिर ये, फिर ये, फिर कोर्स में डी सी ए, मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एड्रेस में कुछ भी टाइप किया, इसमें कुछ छोड़ डाल दिया, कर देता हूँ मैं जी। अच्छा अभी तो कॉपी पेस्ट मेरे को करना है ना, इस पे आया, सबको मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, कंट्रोल सी किया, अब यहाँ पे आके यहाँ पे वही सही राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। वैल्यूज चाहिए मेरे को सिर्फ, ट्रांसपोज में कर दिया मैं, ओके हो गया। अब की बार एक ही बार में पेस्ट हो गया है, तो अब कर्सर यहाँ पे लाके मैं इस पे आ जाता हूँ, ठीक है, और फिर ऐसे कर लेता हूँ, सबको सेलेक्ट करके एक ही बार डिलीट बटन दबा देता हूँ, मेरा आईडी रह जाएगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इसको स्टॉप कर दूँ जी, कर देता हूँ, बैटरी लो हो गया, 2 मिनट का टाइम देना, मैं अपना लेके आता हूँ चार्जर। इसको मैं मैक्रो दे दिया था हाँ, मैक्रोज असाइन कर दिया था बटन में, आपको भी नहीं मालूम, मैं तो भूल गया। देखते हैं, दे दिया होगा तो काम करवे करेगा, नहीं दिया होगा तो काम नहीं करेगा, एरर देगा, तब फिर से हम लोग करेक्ट कर लेंगे, क्यों? सेव पे क्लिक कर दिया, ओ नहीं दिया हूं मैं मैक्रोस, असाइन, ये ले भाई, ले ले इसको, अब हो गया, क्लिक किया, हाँ बराबर पेस्ट हो गया। चलो एक और रिकॉर्ड देखते हैं, ऐसे ही लाके फिर कुछ भी टाइप कर दिया मैं, कुछ भी कर देता हूँ, आपको जो मन करे वो भी कर लो टाइप। फिर से क्लिक कर देता हूँ तो आ गया, ठीक है, ऐसे ही कर लिया करना आप भी, ठीक है। अब ये क्या मजाक है जी, ऐसा आ रहा है ये, ठीक है, इसको फॉर्मेट आप लोग कर लोगे तो हो जाएगा काम, चल जाएगा, ठीक है, कर लोगे फॉर्मेट, नहीं होगा, कर लोगे फॉर्मेट आप लोग, यानी लोग ये सब तो एडजस्टिंग कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सेव कर लोगे, आसान काम है, हो जाएगा सेव, हो जाएगा ना, और फिर आना यहां, ठीक है, इक्वल टू का साइन देना, ठीक है, फिर इस पे आना, ठीक है, और ये दे देना साइन, ठीक है, या फिर ऊपर से दे देना, जैसे मर्जी हो देने का, ठीक है। ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप इसको सॉर्ट करोगे तो एसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है, दे दिया मैं इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके कर दूंगा एंटर, आ गया, यहाँ पे आऊँगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, ठीक है, अब यही लोगों को मैं ले लाऊंगा, ठीक है।
मैक्रो जब आप रिकॉर्ड करोगे ना उसी समय एक ठो डेटा इंसर्ट करोगे, उसी समय आईडी के जरिए सॉर्ट कर लोगे आप असेंडिंग में, ठीक है। मैं नहीं किया, आप लोग कर लेना, ठीक। सॉर्ट कर लोगे और इन सब को आप पकड़ लोगे, ऐसे पकड़ के खींच लाओगे ऐसे नीचे, ठीक है। डबल क्लिक किसी पे किया, नहीं आया, ऐसे पकड़ के खींच लूंगा तो आ जाएगा, देखिए तो आ गया ठीक वैसा ही। और इन्हीं लोगों का इधर अब अटेंडेंस आप लगा दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा, हो जाएगा ना, कर लोगे आप लोग ऐसे। अब इन्हीं लोगों का यहाँ अटेंडेंस आप लगा दीजिए। इस सीट का नाम बदल के मैं चाहूं तो कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक, कर दिया नाम। अब यहाँ पे कुछ एरर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, अपडेट हो चुका ये, ठीक है। तो ये क्या है, एडमिशन फॉर्म मेरा, रिनेम करूंगा, क्या कर दूंगा, एडमिशन इतना ही रख देता हूँ मैं, ठीक है, सही है स्पेलिंग एडमिशन का, नहीं होगा तो गलती होगा तो मेरे को चल जाएगा। आप लोग अगर नहीं चलता तो आप लोग नाम बदल लेना जी, ठीक है। जितना मेरे को अंग्रेजी आता है आपको मालूम है, तो आप जो है बदल लिया करना नाम। मैं कुछ बताने वाला था, भूला गया क्या बताने वाला था, याद आएगा तो फिर से बता दूंगा। हेडिंग को मैं गायब कर दूंगा, मुझे पसंद नहीं है। ग्रिड लाइन को भी गायब कर दूंगा, हेडिंग को मैं लाता हूँ इधर, या फिर गायब ही रहने दो, ये हेडिंग सेटिंग नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। चलो जी, ये हो गया, ऐसा आ गया हमारा फॉर्म, और इसी पे आप जो लिखना पढ़ना है लिखते पढ़ते रहो जी, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर लोगे, हो जाएगा ना काम। चलिए इसको मैं क्लोज कर दूं, बोल रहा है क्या करूं इसको, कर दो सेव, मन कर रहा है तो। ये बोल रहा है इनेबल मैक्रोज, मैं बोलूंगा यस, कर दो जी मैक्रोज इनेबल। ये देख लीजिए आ गया, गायब तो नहीं हो गया वो, गायब हो गया होगा तो मजा नहीं आएगा, ये वाला है, ठीक। यहाँ पे मैं कुछ लिख के एंटर कर रहा हूँ, कैंसल, ये स्टूडेंट लिस्ट है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे मैं कुछ टाइप करके एंटर करके देख लूँ एक बार, देख लेता हूँ जी। अगर मैक्रोज इनेबल करके नहीं सेव किया होगा तो जो है नहीं लेगा, डिलीट कर दिया, ठीक है। सेव एज में जाकर के मैक्रोज इनेबल करके सेव करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने नहीं किया, इसी कारण से ये कर दिया डिलीट पुराना मैक्रोज को, ठीक है। आप लोग क्या करना, इस तरह का मैक्रोज बनाना, ठीक है, जैसा मैं आपके सामने बनाया, ठीक है, तो आप लोग ऐसे बनाना और मैक्रोज को इनेबल करके सेव करना, वो मैं बताया हूं कैसे इनेबल करके सेव करना है। सेव एज में जाना, ठीक है, और यहां पे आना एक्सेल मैक्रोज इनेबल वर्कबुक, ठीक, इसमें सेव कर लेना आप तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप लोग क्या करोगे, ठीक है, इधर बटन बना देना, ठीक है। जैसे मैं अगर कुछ आपको दिखाऊं तो इधर बना देना ऐसे, ठीक है, फिर इधर ऐसे कर लेना, यहाँ पे बोलना एडमिशन फॉर्म चाहिए तो एडमिशन फॉर्म में जाओ, ठीक है, ओपन एडमिशन एक्वायरम, ठीक है, एडमिशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे लिख देना अटेंडेंस का डैशबोर्ड ओपन करना है, तो इसमें क्लिक करेगा तो अटेंडेंस का फॉर्म ये ओपन हो जाएगा, एडमिशन का फॉर्म, कैसे हाइपरलिंक यहाँ से आप इंसर्ट कर दोगे, ठीक है, यही है ना एडमिशन वाला, तो इस पर अब मैं क्लिक करूँगा इस पर, ठीक है, तो एडमिशन फॉर्म अपने आप ओपन हो गया, ठीक है, डिलीट मारता हूँ मैं इन सबको, ठीक, तो अपने आप हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट का लिस्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इन सबको अब आप क्या करो, डिलीट मार दो, ठीक, हो गया डिलीट, एक ठो रहने देना ताकि उसमें जो है इंसर्ट करता जाए, ठीक है, उन्हीं लोगों का यहाँ पे अटेंडेंस आ जाएगा, ठीक है,
डिलीट कर दिया इसलिए ऐसा बोल रहा है, ठीक है, नहीं डिलीट किया होता तो नहीं बोलता, ठीक है। तो ऐसे आप एडमिशन का फॉर्म, एक काम करना आप लोग फीस का भी बनाना, ठीक। एक यहाँ से मैं दो ठो और ले लेता हूँ, शिफ्ट F11, ठीक है। एक फॉर्म बनाना जिसमें कि जैसे एडमिशन का डेटा, जैसे मान लीजिए जिस तरह से स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पे जितने लोग फीस पेमेंट करते हैं उनका सारा डिटेल टेबल के रूप में यहाँ पे आए। और दूसरा चीज कि जैसे एडमिशन का फॉर्म बनाया है हमने ऐसा, वैसे ही आप एक ठो फीस आप लेंगे बच्चों से, ठीक है। तो फीस लेने का फॉर्म आप लोग बनाना, ठीक ठीक है। फिर यहाँ पे आना, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम वगैरह आप लिख देना, ठीक है। फिर इधर लिखना किस में जाना है, फीस कट करने का फॉर्म में जाना है या एडमिशन फॉर्म में जाना है या फिर अटेंडेंस रजिस्टर वाले डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो ये वाला खुल जाएगा और बाकी काम आप मैक्रोज वगैरह बना के करोगे, ठीक। तो इसमें कोई समस्या? एक और फॉर्म का जरूरत होगा कि कोई स्टूडेंट आता है बोलता है कि मैंने फीस पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो आप उसका नाम लिखें या आईडी डालें, ठीक है। तो उसका तुरंत जो है पूरा जो है कितना फीस पेमेंट किया है वो टोटल आ जाना चाहिए, या नाम डालें तो पूरा उसका फीस कब कब फीस पेमेंट किया है वो आ जाना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा उसका नेम, ठीक है। नेम हुआ, यहाँ पे नाम टाइप कर दिया कुछ भी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे नाम टाइप के एंटर करूं, वैसे ही यहाँ पे टेबलर फॉर्म में जितने जितने बार उसने फीस पेमेंट किया है उतने रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, आ जाना चाहिए, ठीक। सर्च करें फीस तो आ जाए, ठीक है। और फिर हमें पता चल जाएगा कि फीस उसका पेमेंट है तो हम क्या करेंगे, उसका मार्कशीट, उसका TC, बाकी जो देना देते हैं वो दे देंगे, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? तो जिस तरह से एडमिशन फॉर्म और स्टूडेंट का लिस्ट वाला मैं बनाया हूँ सीट, ठीक है, उसी तरह से आप फीस लेने का फॉर्म बनाना और फीस को स्टोर करने का टेबल बनाओगे, ठीक। टेबल बना के बटन वगैरह वैसे ही बना के आप स्टोर करना फीस, ठीक हो जाएगा। और फिर आप लोग क्या करोगे कि एक सर्चिंग के लिए भी बनाना फॉर्म, ठीक है। सर्चिंग के लिए आप नहीं बनाओगे तो मैं बना लूंगा वो, ठीक। सर्चिंग के लिए कल बता दूंगा मैं कैसे बनाना है, ठीक है। हो जाएगा ना आप सबसे? नहीं होगा? क्यों चुप क्यों हो भाई? हो जाएगा? नहीं होगा सबसे? जैसे एडमिशन फॉर्म बनाया ठीक उसी तरह से फीस लेने का और स्टोर करने का आप लोग बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पे बना दें, दो तीन बटन दे देना डैशबोर्ड, ये रहेगा कि इस पर क्लिक करें तो एडमिशन फॉर्म पे जाए, इस पर क्लिक करें तो ये अटेंडेंस के डैशबोर्ड पे जाए। एक आध और बॉक्स आप ले लीजिएगा सैप, उसमें लिख दीजिएगा कि यहाँ से फीस सर्च करना है तो वहाँ पे चले जाओ, फीस लेना है तो उस पर क्लिक करके ले लो, ठीक है। बन जाएगा ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों या समझे में नहीं आ रहा है? ठीक है जी, बना लेना। कोई किसी का समस्या है? कोई समस्या किसी को है? नहीं है? नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है जी, है तो और अच्छी बात है, ठीक है। बंद कर दूंगा अब? नहीं बंद करूं? यहाँ पे देखिए डिलीट मैं किया तो अपने आप जो है यहाँ पे अपडेट हो गया, तो टेबल मैंने इसीलिए लिया था कि यहाँ पे अपने आप अपडेट होता जाए, ठीक है। चलिए जी क्लोज कर दूं इसको, सेव करता हूँ इसको, फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं मैक्रो इनेबल करके नहीं सेव किया था, तो मैक्रो जितना होगा वो सब पार हो गया होगा, ठीक है। क्लोज बंद कर देता हूँ इसको भी। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? नहीं है? कोई क्वेश्चन? किसी को कोई समस्या आया हो तो बताइए, कोई फॉर्मूला जो समझ में नहीं आया हो? क्यों? चलिए जी, नहीं पूछेंगे आप लोग तो अच्छी बात है। नहीं पूछने का मतलब है या तो सब कुछ आ गया या तो कुछ नहीं आया। तो इतने दिन से आप लोग क्लास कर रहे हो तो सब कुछ नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब सब कुछ आइए गया होगा। क्यों आ गया होगा?
आ गया ना। चलिए जी, बंद कर देता हूँ इसको, स्टॉप।